जो नए लोग इस पार्टी को चलाने वाले बने हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल अपरिपक्व है और दूरदर्शी है। उनका कोई निर्णय पूरे बिहार में जो हुआ है, पूरे बिहार के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले जितने कार्यकर्ता समर्थक हैं, सारे लोग मर्माहत। राजद के जो नेता हैं, नए नेता, और आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान है और रहेगा हमेशा, लेकिन जो परिस्थितियां तैयार हुई इस बीच में टिकट के दौड़ में, उससे मैं बहुत मर्माहत हुआ, बहुत दुखी हुआ। आज से नहीं, मैं जब से राजनीति में कदम रखा तब से लालू प्रसाद जी के साथ था। नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है, मैं मिसमैनेजमेंट है। मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ है या तो बिहार की राजनीति या कोसी की राजनीति को समझते नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं BeforePrint.in। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल सुबह और शाम अब जीते और मेहनत करने में जुटे हुए हैं। नित नया उथल पुथल राजनीति में मचा हुआ है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं इंजीनियर प्रभास जी, और जिनके बारे में बता दें कि ये पूर्व में राजद के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे। वर्तमान में इन्होंने जाप जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उनकी सदस्यता ली, और सदस्यता के कुछ घंटों बाद ही इन्हें जाप ने बिहारीगंज विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बिफोर प्रिंट चैनल में। ये पूछना चाह रहा था मैं सर कि आप पिछले कई वर्षों से राजद में अपनी सेवा दे रहे थे, वर्तमान में आपने पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन किया है और बिहारीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण रहा राजद को छोड़ने का? हमने राजद छोड़ा नहीं। राजद के जो नेता हैं, नए नेता, और आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान है और रहेगा हमेशा, लेकिन जो परिस्थितियां तैयार हुई इस बीच में टिकट के दौड़ में, उससे मैं बहुत मर्माहत हुआ, बहुत दुखी हुआ, और मुझे लगा कि अब इस पार्टी की राजनीति शायद बदल गई है, ये अपने विचारधारा से हट गए हैं, और जो नए लोग इस पार्टी को चलाने वाले बने हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल अपरिपक्व है और दूरदर्शी है। उनका कोई निर्णय पूरे बिहार में जो हुआ है, पूरे बिहार के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले जितने कार्यकर्ता समर्थक हैं, सारे लोग मर्माहत हैं, और उसी का परिणाम है कि हमने भाजपा नहीं ज्वाइन किया। हम और कहीं नहीं गए, हम गए सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता, जो हमारा मूल आधार है राजनीति करने का, उसमें गए हैं, और हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं चुप रह गया तो शायद यहाँ की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी मुझे माफ़ नहीं करेगी कि तुम कायर थे जो गलत का विरोध नहीं कर सके। चौधरी चरण सिंह इस देश के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं गलत प्रत्याशी को टिकट दे दिया तो मैं टिकट दे सकता हूँ, वोट तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको वोट मत देना। और मैं ऐसे पूर्वजों के धरोहर को मानते हुए, विचारधारा को मानते हुए राजनीति में आया था, और आज से नहीं, मैं जब से राजनीति में कदम रखा तब से लालू प्रसाद जी के साथ था, और मजबूरी में और क्षेत्र की जनता के डिमांड पर, उन लोगों के आग्रह पर, और उनका जो स्नेह और प्यार था, कल मधेपुरा के लोगों ने देखा जब मैं पटना से आ रहा था, सुपौल से लेकर के मधेपुरा का जो दृश्य था, मैंने किसी को बुलाया नहीं था, कोई मैनेज नहीं था, आप पता कर लें, आपको भी जानकारी है, आप भी यहाँ रहते हैं, सब लोग अपने आप हमको इतना प्यार दिए कि मैं कल, मेरे आँख से आंसू छलकते थे, और ये कारण रहा। मैं क्षेत्र की जनता, यहाँ की मिट्टी के लिए वहाँ से यहाँ आया, जब रास्ता भटक जाते हैं कोई, तो उस रास्ते पर चलना मेरे लिए मुश्किल था। एक आरोप आप तेजस्वी जी पे लगा रहे हैं इस बार टिकट वितरण को लेकर, क्या है ये, क्या मामला है ये? नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है, मैं मिसमैनेजमेंट है। मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ है या तो बिहार की राजनीति या कोसी की राजनीति को समझते नहीं है। कॉरपोरेट स्टाइल में उन लोगों ने बिना किसी जमीनी समझ के जो लोगों को ऐसे उठाकर टिकट डाला है,
उससे भी मैं दुखी हूँ। और मैं ही नहीं, इस इलाके के तमाम लोग जो राजद को चाहने वाले हैं, समर्थक, मतदाता, कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं। मधेपुरा जो क्षेत्र है वो राजद का गढ़ माना जाता है कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर से। आप पप्पू यादव की पार्टी से खड़ा हो रहे हैं, कितना आसान होगा यह चुनाव? ये चुनाव आसान इसलिए है कि पप्पू यादव भी उसी धारा की राजनीति करते आए हैं, उसी धारा की उपज हैं, और राष्ट्रीय जनता दल धारा से अलग हो गई है। तो मुझे लगता है कि मैंने लालू जी को भी कहा था कि लोग विकल्प के तलाश में है, अगर तेजस्वी यादव जी का निर्णय सही नहीं हुआ तो लोग विकल्प की ओर देखेंगे। और मुझे लगता है, मैं बिहार की बात नहीं करता, लेकिन कोसी के लोग ने विकल्प चुन लिया है, और 10 नवंबर को आप देखेंगे कि विकल्प के रूप में कोसी में पप्पू यादव का नेतृत्व जबरदस्त ढंग से उभरेगा। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपके साथ? हम जात पात धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों के साथ मैं रहा हूँ और लोग हमको इस रूप में देखते भी हैं। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव बिहारीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। शरद यादव का अपना एक बड़ा चेहरा हो रहे हैं राष्ट्रीय फलक के, कितना आसान होगा उनकी बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ना? मैं समझता हूँ उनकी बेटी कोई न राजनेता है, न राजनीतिक कार्यकर्ता रही है, न लोग यहाँ के उनको जानते हैं। मैं तो उस शरद यादव को जानता हूँ जो शरद यादव कभी कांग्रेस के खिलाफ में, परिवारवाद के खिलाफ में इस देश में राजनीति करने आए थे और इतने बड़े नेता बने। मधेपुरा के लोगों ने उनको भरपूर सम्मान दिया, हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये निर्णय उनका गलत है। बिहारीगंज कितना आसान होगा आपके लिए चुनाव लड़ना, जबकि आपके सामने में शरद यादव की बेटी हैं और भी कई उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, इतने में इसमें कितना आसान होगा आपके लिए? देखिए, ये परीक्षा की घड़ी है, मेरे साथ साथ यहाँ के लोगों की भी परीक्षा है। यहाँ के लोग आने वाले पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देते हैं वह 10 नवंबर को पता चलेगा। और मधेपुरा सहित बिहारीगंज की जनता ये चाहते हैं कि यहाँ लोकल उम्मीदवार हो, यहाँ के मिट्टी के जो पले बढ़े जन्मे हैं, जो यहाँ की मिट्टी को समझते हैं, ऐसे लोग हमारा विधायक हो। और मुझे लगता है लोग उसको आधार बनाकर मुझे निश्चित रूप से अपना मत देंगे। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मधेपुरा समाजवाद की धरती रही है, यहाँ से बिहार ही नहीं देश की दशा और दिशा राजनीति की बदली है, और मैं समझता हूँ कि मधेपुरा इस बार अंगराई लेगी और पूरे बिहार सहित देश को एक बड़ा मैसेज देगी, ये सामाजिक न्याय की धरती, समाजवाद की धरती से एक बदलाव का शुरुआत होगा और आने वाले समय में मधेपुरा परिवर्तन की ओर लेकर पूरे बिहार को जाएगा। अभी हम लोग थे बिहारीगंज विधानसभा में और हमारे साथ जुड़े हुए थे जाप के विधानसभा प्रत्याशी इनिया प्रभास। हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, तब तक आप देखते रहें beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।